दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जून का बिल है वो आपका कभी भी पास हो सकता है। और साथियों, किन किन ज़िलों का बिल है वो जून माह का पहले बिल पास होने की यहाँ पर जो अपडेट दिखाई जा रही है, ठीक है ना। तो साथियों, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पेमेंट आज आया है वो आपने देख लिया होगा, श्री गंगानगर व बाड़मेर ज़िले का पेमेंट, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि भाई आपके जून के बिल की बात है, तो इसकी जो अपडेट है वो सबसे पहले अलवर, भरतपुर, दौसा, टोका, टोंक, बीकानेर, ये ऐसे ज़िले हैं जिनकी अपडेट सबसे पहले बताई जा रही है। देखो, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनका जो पेमेंट है लगभग पेमेंट पूर्ण हो चुका है मई माह का। और सिस्टम यही है कि जिस ज़िले का जो पिछले महीने का पेमेंट होता है ना, सबसे पहले क्लियर हो जाता है, उसका जो अगले महीने का बिल होता है बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है, और हेड ऑफिस के द्वारा कभी भी सूचना पोर्टल पर उसको डाला जा सकता है, ठीक है। और जो आपका बजट है उसके लगभग 4 या 5 दिन बाद आपके रोजगार कार्यालय के पास भेज दिया जाता है। तो साथियों, इन ज़िलों का बिल है वो सबसे पहले पास होगा। और यदि आप 181 पर सभी मिलकर शिकायत करें, ताकि आपका जो जून का बिल है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा साथियों, क्योंकि दबाव के बिना साथियों कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो आपको दबाव बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मई का पेमेंट आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आप बिल के लिए शिकायत ज़रूर दर्ज करवा दें साथियों, ताकि आपका पेमेंट पेंडिंग में नहीं रहे, जैसे भाई सिक्कर का हाल हो रहा है, ठीक है। तो सभी को एकजुट होकर शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे इस प्रक्रिया में साथियों ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, और आप टाइम टू टाइम पर बेरोजगार भत्ते का फ़ायदा उठाते रहेंगे। और शाम तक जो अपडेट आएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे के बटन को दबा लें। धन्यवाद।